उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी पहुंचे मसूरी। मसूरी गोलीकांड में हुए शहीदों को सीएम ने दी श्रद्धांजलि। आज मसूरी गोलीकांड की है 27वीं बरसी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दिए निर्देश। उत्तराखंड के निजी स्कूलों में मानक और फीस एक्ट के लिए बनेगा प्राधिकरण। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में अनाथ बच्चों को मिलेगा 5% शैक्षिक आरक्षण। अनाथ या प्रभावित बच्चों का पंजीकरण होना जरूरी। उत्तराखंड में नई M3 EVM मशीनों से होंगे आगामी विधानसभा चुनाव। राज्य निर्वाचन कार्यालय ने मंगाई नई EVM और VVPAT मशीनें। उत्तराखंड में अगस्त में बना सर्वाधिक कोविड टीकाकरण का रिकॉर्ड। 26 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाया टीका। देहरादून में 538 प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का काम शुरू। 74,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और शुरुआत देहरादून से कर रहे हैं। आपके प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली करेंगे प्रेस वार्ता। दोपहर 1 बजे खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं आपके प्रदेश प्रवक्ता और कई बड़े खुलासे इस दौरान करेंगे। दोपहर 1 बजे अब से कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप। प्रदेश कार्यालय देहरादून में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता होने जा रही है। आप प्रदेश कार्यालय देहरादून में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। क्या खुलासे होंगे ये दिलचस्प है देखें। देहरादून से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दोपहर 1 बजे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आप प्रदेश कार्यालय देहरादून में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन करेंगे दोपहर 1 बजे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी कई बड़े खुलासे करेगी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुक्त विश्वविद्यालय में भर्ती नामों के खुलासे के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और काशीपुर से खबर है मौसम के अजीबोगरीब मिजाज। रात नहीं आफत बरसा रहा है मौसम। काशीपुर से खबर है राहत नहीं आफत, मौसम बरपा रहा है। धूप के साथ भारी बारिश हो रही है। धूप के साथ बारिश हो रही है, मौसम का मिजाज बदला है। काशीपुर में अजीबोगरीब मौसम है। एक तरफ धूप है, दूसरी तरफ बारिश है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। धूप के साथ लगातार हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब। काशीपुर से खबर है जहां राहत नहीं मौसम आफत बन गया है। मौसम का मिजाज इस कदर बदला है कि एक ही वक्त में धूप भी है और बारिश भी। और उत्तरकाशी से खबर, यमुना घाटी के ग्राम पंचायत पाली में जन्माष्टमी की धूम। श्रद्धालुओं ने जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जन्माष्टमी के दौरान की तस्वीरें हैं, जहां दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। भक्तजनों का धूमधाम से स्वागत भी किया जाता है। श्रद्धालुओं ने जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण के दर्शन किए।
और लखसर से खबर है, लखसर ब्लॉक मुख्यालय में स्वरोजगार कैंप का आयोजन, खबर इस वक्त आपको लखसर से बता रहे हैं। मुख्यालय में महिलाओं की सैकड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी है, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखसर ब्लॉक मुख्यालय में स्वरोजगार कैंप का आयोजन किया गया है, लेकिन उस आयोजन में कोरोना के प्रोटोकॉल की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, और तीसरी लहर की तरफ साइंसदान आगाह कर रहे हैं। तो ये तस्वीर लखसर की है। मुख्यालय में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ये स्वरोजगार कैंप है जिसके अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना का डर, कोरोना का खौफ लोगों के अंदर नहीं है, लेकिन इन सबके बीच ये जहन में रखना बेहद जरूरी है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आहट दे सकती है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पीसीएस परीक्षा के लिए ओवर एज हो गए अभ्यर्थी, पीसीएस परीक्षा में अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। अभ्यर्थियों को राहत देते हुए राज्य के सचिव कार्मिक को आदेश दिया है कि पीसीएस परीक्षा में अभ्यर्थियों को आयु सीमा बढ़ाने और अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए दो हफ्तों में यूपीएससी और उत्तर प्रदेश की नीति को ध्यान में रखते हुए फैसले लें और नीति जारी करें। मुख्य मुद्दा यह था क्योंकि उत्तराखंड में पिछले 5 वर्षों से अपर सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं हुआ है, इस कारण ये लोग आज एज बार हो गए हैं। जबकि यूपीएससी में सीसेट जो पैटर्न है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट का पैटर्न है, उससे प्रभावित जो लोग हुए थे उनको 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए गए थे, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी दिए गए हैं। तो आज कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दिया है, क्योंकि परीक्षा अक्टूबर में होनी है, इसलिए 2 सप्ताह के अंदर इसमें सचिव कार्मिक निर्णय लें और यूपीएससी की तर्ज पर जो नीति बनानी है एज रिलैक्सेशन की और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने की। खबर हरिद्वार के राजलोक कॉलोनी में देर रात्रि नाले में एक मगरमच्छ आ गया। पॉश कॉलोनी जर्स कैंट्री के पीछे राजलोक कॉलोनी में मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हुए। मगरमच्छ की रिहायशी इलाके में आने की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। तो कॉलोनी में देर रात्रि नाले में मगरमच्छ मिला है। देखिए, ये एक राजलोक कॉलोनी है, आवासीय कॉलोनी है। इसमें कल रात लगभग 10 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मगरमच्छ आ गया, एक नाला है वहाँ पर बगल में, उसमें तो तुरंत ही यहाँ से जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, जो हमारी रेस्क्यू टीम है यहाँ पर, इसमें जो है यहाँ उसके सदस्यों को भेजा गया सारे इक्विपमेंट्स के साथ, और ये लोग अच्छे प्रशिक्षित हैं इस कार्य के लिए, और इन्होंने मौके पर जाके लगभग 1.5 घंटे के अंदर अंदर उसको जो है रेस्क्यू करके सुरक्षित ले जाके गंगा जी में छोड़ दिया। और ना तो इसको एनिमल को ही कोई हानि हुई और ना ही जो है किसी जो है हैबिटेशन में किसी व्यक्ति को या किसी को कोई हानि पहुंची है। और यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी के संक्रमण से बच्चों को सुरक्षित रखना उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है और इसकी शुरुआत घर घर से होगी। कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पूरक आहार यानी सप्लीमेंटेशन प्रमुख उपाय है, इसलिए अपने बच्चों के आहार में पोषक तत्वों से भरपूर इन चीजों का इस्तेमाल अवश्य करें। विटामिन ए के लिए आम, पपीता, गाजर, शकरकंद, मछली। विटामिन सी के लिए माल्टा, टमाटर, नींबू, गोभी, अमरूद, स्ट्रॉबेरी। विटामिन डी के लिए मक्खन, अनाज, पनीर, गाय का दूध। जिंक के लिए काजू, अंडा, पालक, सी फूड। सेलेनियम के लिए नारियल, लहसुन, और ओमेगा के स्रोत के लिए अलसी, अखरोट और मशरूम। बच्चों को जंक फूड और ज्यादा मसालेदार भोजन न दे। इसके अलावा 2 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के द्वारा मास्क का उपयोग, शारीरिक दूरी बनाए रखना,
और कोविड 19 हेतु अपनाए जाने वाले व्यवहार जैसे साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मुंह की स्वच्छता बनाए रखना अति आवश्यक है। याद रखें, सभी बच्चों को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित टीकाकरण अवश्य कराएं। सतर्कता के उपाय, पौष्टिक आहार भरपूर, कोरोना को रखना है अपने बच्चों से दूर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस और बीजेपी में तू डाल डाल में पात पात को खेल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस 3 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। इसके तोड़ में बीजेपी ने भी इस दिन से जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। बता दें कि कांग्रेस 3 सितंबर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीट खटीमा से परिवर्तन यात्रा निकालेगी। इसका पहला चरण 6 सितंबर को अल्द्वानी में संपन्न होगा। तो वहीं बीजेपी ने भी इसका तोड़ खोज लिया है। बीजेपी भी 3 सितंबर से जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। रिक्त थे जिनको भरने के लिए 14 दिसंबर 2018 में विज्ञप्ति जारी हुई थी। कुछ लोगों ने नियमावली को चुनौती देते हुए रिट याचिका आयोजित की थी और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगवा ली थी। 7 अक्टूबर 2020 को उस रोक को माननीय न्यायालय ने हटा दिया था और सरकार को कहा था कि आप नियुक्ति प्रक्रिया जारी कर सकते हैं। इसी बीच NIOS से DLED किए हुए लोगों ने और कुछ BEd प्रशिक्षित लोगों ने साथ ही और जिन्होंने अभी अभी CTET परीक्षा पास की है उन लोगों ने रिट याचिका आयोजित की और नियुक्ति प्रक्रिया पर पुनः रोक लगवा दी थी। एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ आज बहस हुई और बहस में बहुत विभिन्न रिट याचिकाओं पर बहस के बाद माननीय न्यायालय ने उस स्थगन आदेश को संशोधित कर दिया है और राज्य सरकार को ये छूट दे दी है कि आप नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखें और जो भी नियमावली के तहत पात्र लोग हैं उनको आप नियुक्त। और लक्सर से खबर है, लक्सर ब्लॉक मुख्यालय में स्वरोजगार कैंप का आयोजन। खबर इस वक्त आपको लक्सर से बता रहे हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने ये महिलाएं पहुंची। खबर लक्सर से। और अब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जाम की समस्या से निजात मिलने वाली है। वैसे तो हर दिन यहाँ जाम लगा रहता है जिससे टूरिस्ट और स्थानीय लोग परेशान रहते हैं। अब विभाग इसी समस्या पर काम करने वाला है। अब ये सुरंग निर्माण का कार्य जल्द ही 2 माह के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा कराने के प्रयास किए जाएंगे। 930 मीटर का बाईपास बनना है और 200 मीटर का है तो ब्रिज बनना है। इसकी निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं और कॉन्ट्रैक्टर को लोवेस्ट कॉन्ट्रैक्टर भी आ चुका है, उसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी हो चुका है। 2 महीने के अंदर इसका अनुबंध गठित कर कार्य भी प्रारंभ कर दीजिएगा। केदारनाथ धाम को जाने वाले यात्री हैं कृपया के कंजेशन मार्केट से नहीं गुजरना पड़ेगा। यद्यपि मार्केट का भाग 4 किलोमीटर लंबा है लेकिन इस 4 किलोमीटर में यात्रा के समय में तो भीड़ भाड़ होने की वजह से काफ़ी समय लगता है। वो सीधे इस बाईपास होते हुए निकल जाएंगे और जो लोग केदारनाथ धाम से लौटेंगे बद्रीनाथ धाम जाना चाहेंगे उनको भी रुद्रप्रयाग मार्केट से नहीं गुजरना पड़ेगा। यद्यपि बाईपास बनने से 2 किलोमीटर की दूरी की बचत होगी लेकिन लगने वाले समय में काफ़ी बचत हो जाएगी। और ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित पर आवाजाही बाधित होने से शहर के पेट्रोल पंप खाली पड़े हैं। श्रीनगर श्रीकोट समेत मलेथा भगवान के पेट्रोल पंपों में डीजल और पेट्रोल नहीं है। वहीं इस बीच जब पेट्रोल का एक टैंकर श्रीनगर पेट्रोल पंप पर पहुंचता तो लोगों की पेट्रोल लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। हाथों में बोतल लिए लोग पेट्रोल लेने के लिए धक्का मुक्की करते नजर आए। वहीं स्थानीय लोगों को और यात्रियों का कहना है कि पेट्रोल मिलने से रोज़मर्रा के कार्यों में अतिरिक्त समस्या लग रही है। साथ ही गाड़ी में पेट्रोल ना होने से आवाजाही भी रुक गई है। पानी की समस्या है,
बारिश में एनएच पे ये रोड तोता घाटी साइड भी टूट गई थी, जिससे मार्ग बंद हो गया था। उससे ऊपर वाला मार्ग भी टीरी हो गया आता है जो, वो भी बंद हो गया था, जिस वजह से यहाँ पेट्रोल की गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थी। पेट्रोल दो तीन दिन से ख़त्म हो गया था और आज जब सुबह टैंकर पहुंचा तो इस कारण इसी यहाँ पे भीड़ लगी है। और श्रीनगर जैसे शहर में आज पेट्रोल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, ये बहुत दुखद की बात है। और तमाम जो हमारे रिस्केज से और श्रीनगर तक के पेट्रोल पंप है, उन पर पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। तो नहीं मिलने का जो कारण है, ये सरकार की बड़ी अनदेखी है और सरकार की बहुत बड़ी मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़ी अनदेखी है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।